हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के एम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सेमीफाइनल वन का हमने सेमीफाइनल वुमन प्रीमियर लीग का प्रिडिक्शन दिया था। एलिस पेरी के परफॉर्मेंस पॉइंट 34 और जो कि मैन ऑफ द मैच रही थी और आराम से हो गए थे उसकी बैटिंग से ही। तो अब बारी है दोस्तों फाइनल की, ठीक है। तो डी सी वुमन वर्सेज आर सी बी वुमन का फाइनल है, ठीक है। तो दोनों ही टीमें तगड़ी है लेकिन डीसी थोड़ी और ज़्यादा पारी है, लेकिन फाइनल है तो एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। तो जैसे कि हमारा नियम है, हम हार जीत पे तो जाते ही नहीं हैं, ठीक है। तो अभी भी ओवरऑल स्टडी किया, देखो इसमें देखिए शोभना मेघना के पॉइंट्स पे अपने को जाना नहीं है। जेवी और रॉड्रिक्स के 24 पॉइंट बहुत कम है, वो भी हो जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो है। शेफाली वर्मा को छोड़ दो, उसका कोई भरोसा नहीं है। जोनासन इसके भी 27 पॉइंट कम दे रहा है। ये जॉर्जिया वेरा भी, ये भी 29 पॉइंट कम दे रहा है। स्मृति मंदना छोड़ दो, एलिस कैप्सी छोड़ दो, बेग लेरिंग छोड़ दो, रिचा घोष छोड़ दो, सोफी डिवाइस छोड़ दो, मरीजन कैप छोड़ दो, एलिस फेरी पकड़ के रखो, ठीक है। लेकिन ये सारे ऑप्शन बताए मैंने, एलिस फेरी ले सकते हो, वेरहम ले सकते हो, जोनासन ले सकते हो, रॉड्रिक्स ले सकते हो। लेकिन इन सब पे भी अगर मैं बोलूं कि अपने को फाइनल पिक करना है तो वी विल पिक वंस अगेन एलिस पैरी दोस्तों। यस एलिस पैरी, सी इज द जायंट और वो मतलब बहुत ही बढ़िया है फॉर्म में है बॉलिंग बैटिंग, तो ये अपने को 45 पॉइंट तक ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। सो ये था आज का प्रेडिक्शन, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास मेरे पास आपको 18,370 दिख रहा है, तो इसमें से 50% जाने हैं इस पर, बाकी लाइव में जाना है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर अवेलेबल टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय।